नमः शुभ मध्याह्नम्। अहम अस्मि संस्कृताचार्य ज्योतिः। प्रिय छात्रों, पिछले कालांशों में हमने पाठ्य पुस्तकम से विद्याया महिमा और आदर्श मित्रता नामक पाठ को हमने पढ़ा। इस बार हम व्याकरण से मृगया नामक की पुस्तक है कक्षा अष्टमी के लिए, तो इससे हम पहला पाठ पढ़ने वाले है जो कि संस्कृत वर्णमाला नाम से है। तो ये संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत भाषा के जो वर्णमाला है उसके बारे में आप जानने वाले। सबसे पहले वर्णमाला क्यों कहा जाता है? कई वर्णों की माला, जैसे कई फूलों से एक माला बनती है, उसी प्रकार कई वर्णों से मिलकर एक माला बनी हुई है जिससे भाषा तैयार होती है, इसलिए इसको वर्णमाला कहते हैं। अब इसी वर्णों को मिलकर क्या तैयार होती है? भाषा। अब भाषा क्या है? भाषा के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात है प्रिय छात्रों कि संस्कृत का व्याकरण जो है वो सबसे प्राचीन है और अद्वितीय है, मतलब नंबर एक का व्याकरण है और उसमें ज्ञान का भंडार है, बहुत ही विशाल वो व्याकरण है, उसके बारे में हम जानने वाले। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध करना जो जानता है वही है व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो भाषा क्या है? भाषा वो चीज है अपने भावों को व्यक्त करने का जो माध्यम है, जो साधन है, उसी को भाषा कहते हैं। व्यक्ति अपने भाव को भाषा के द्वारा प्रकट करता है, चाहे वो किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, वो अपने अपने प्रांत की भाषा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता है। तो उसी भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा जो होती है उसके दो भेद होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा मतलब व्यक्ति अपने मुख द्वारा, आमने सामने दो व्यक्ति आमने सामने जो बातचीत करते हैं, अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, इसी को मौखिक भाषा कहा जाता है। अपने भावों को मुख द्वारा व्यक्त करना, आमने सामने व्यक्त करना, इसी को मौखिक भाषा कहा जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जो होती है, जो व्यक्ति अत्यंत समीप नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उसको लिखित माध्यम से संदेश के द्वारा लिख करके कोई संदेश जब भेजा जाता है तो उसका रूप होता है लिखित भाषा। लिखने के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना ही लिखित भाषा कहा जाता है। उसी प्रकार मौखिक और लिखित भाषा, इनमें हमने देखा कि लिखित भाषा लिखने के स्वरूप में होता है और मौखिक भाषा आमने सामने व्यक्त करने का, तो इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो भाषा जो है, तो भाषा से शुरुआत हुई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, मतलब सबसे छोटा रूप। इकाई मतलब क्या? हिस्सा। जैसे घर बनते समय घर का सबसे छोटा हिस्सा